हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, बड़े दिनों के अंतराल के बाद हम आज आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज आपको इस दवा के बारे में बताएंगे, जोलाइन फ्लश आई ड्रॉप, और इसका उपयोग कैसे करते हैं, और यह आँखों में किस बीमारी के लिए काम आता है, या आँखों में किस बीमारी को दूर करता है, और ये आँखों में किस लिए प्रयोग किया जाता है, डॉक्टर इसको किस लिए प्रोवाइड करते हैं। देखना नहीं किस 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 में समझ जाओ। तो इस मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आँखों में ये आई ड्रॉप क्यों उपयोग करने के लिए डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में आज हम बताएंगे। क्या प्रॉब्लम होती है तब इस डॉक्टर इस दवा के बारे में सजेशन देते हैं लोगों को। चलिए, ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हम पॉइंट पर चलते हैं। ये डॉक्टर के बिना आप आई ड्रॉप मत लीजिएगा, और डॉक्टर से विचार विमर्श करने के बाद ही लीजिएगा। बाकी ये आई ड्रॉप बहुत ही कारगर है, और जो 10 ml का इसका बोतल होता है, और ये अभी हाल ही फ़िलहाल में है, 2021 और 2023, देख लीजिए दोस्तों, 95 इसका रेट है। इसको देखने के बाद हम इसके बारे में बताते हैं। जोलाइन प्लस आई ड्रॉप जो आँखों में जलन, सबसे फर्स्ट काम इसका है जलन, जलन आँखों में धुंधलापन या सूजन, ठीक है दोस्तों, और आँखों में कचरा का होना, आँखों में सबसे ज़्यादा अगर लालिमा है, आँखों में लालिमा है, लालपन है, तो उसको यह कारगर बहुत अच्छे से कार्यरत है। ये दवा उसको दूर करेगी, आँखों की लालिमा को, और जलन सूजन यही सारे नॉर्मली जो होने चाहिए इस आई ड्रॉप के कार्य हैं। यह आई ड्रॉप इन सब चीज़ों में काम करता है, जलन सूजन आँखों में थोड़ा बहुत, और चोट लगने के बाद ये भी आई ड्रॉप। और दूसरी बात दोस्तों कि आँखों में जब लालिमा होती है तब ये कारगर करती है, और आँखों में जब सूजन, यही सारे चीज़ काम करते हैं। और इसके फ़ायदे तो आप जान लिए दोस्तों, नुकसान हर एक आई ड्रॉप का वही होता है कि खुजली होना, जी मचलाना, और उसके बाद आँखों में ज़्यादा आई ड्रॉप डालने पर, या ज़्यादा जब जैसे कहते हैं ना, जैसे भोजन ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट होने लगता है, ऐसे इसको भी ज़्यादा आप उतना ही उपयोग करिएगा जितना आपको ज़रूरत हो, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।